हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डीआरएक्स नंदुर फार्मेसी। आज हम जानेंगे टमाटो फीवर नाम के डिजीज के बारे में, जिसे हैंड फूट माउथ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। टमाटो फीवर बच्चों को किस उम्र के बच्चों को होता है और टमाटो फीवर से कैसे बचें, कैसे पता करें कि टमाटो फीवर हमारे चाइल्ड को हुआ है या और कुछ, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि टमाटो फीवर का पहला केस केरल में 6 मई 2022 में आया था और 100+ हो गए हैं इसके केसेस इंडिया में। तो इसके बारे इसको हल्के में ना लें, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। टमाटो फीवर जैसे मलेरिया, डेंगू जैसे फैलने वाली वैसे डिजीज में से एक है और ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये 5 साल के नीचे के बच्चों को हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब टमाटो फीवर होता है तो बच्चों को फीवर आता है, उसके बाद क्या होता है कि एक जलन होती है स्किन में और हाथ के कलर भी चेंज हो जाते हैं और चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पे एक टमाटर जैसे, और इसीलिए इसका नाम टमाटो फीवर रखा गया है। और हाइड्रेशन की भी कमी हो जाती है, हैंड पेन होता है, लोअर लिम्फ में सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है और इसमें वोमिटिंग भी होती है, खांसी भी आती है, छींक भी आती है और नाक भी बहती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर हैं तो आप जान लीजिए टमाटो फीवर है। इसका मेन सिम्टम्स यही है कि स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं और बड़े बड़े टमाटर के जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम टमाटो फीवर रखा गया है। और अब हम जान लेते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचाव करना है। तो अगर किसी को टमाटो फीवर हो जाता है तो उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें और उसके आसपास सफाई रखें और उसे ठंडे पानी से नहलाएं। और अगर जैसे टमाटो फीवर हो गया है तो फिर उसे मतलब कि ठंडे पानी से नहलाएं और उसे ज़्यादा पानी पिलाएं, पानी ज़्यादा पिलाएं और नाखून से उसे खरचोरें ना। तो ये सब जानकारी थी। 82 प्लस केसेस हो चुके हैं केरल में। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।